मुंबई से दिनेश वोरा जी जुड़ गए हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के क्लास वन अफसर थे, बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र में, और चूंकि खुद रेवेन्यू से जुड़े रहे हैं तो उनसे अच्छा मुझे लगता है इस पैनल पे कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो पहले मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा, ये पूछूंगा, वोरा जी 50 रुपये घर का मैं सिलेंडर महंगा हो गया, 350 रुपये कॉमर्शियल महंगा हो गया, जीडीपी पहले तिमाही में जो 13.5-14% दिख रही थी वो 4.4 पर आ गई, तो चाहे घर की रसोई हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, दोनों डूब रहे हैं। कारण क्या है दिनेश जी, क्यों क्यों ये अर्थव्यवस्था सारी सारी गड़बड़ाई जा रही है और क्यों सिलेंडर महंगा होना पड़ रहा है? आम मध्यम वर्गीय परिवारों की हालत क्या हो गई है और क्यों हो गई है और क्या निदान है इसका? जी, आप सबको नमस्कार। और सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो उत्तर हैं वो थोड़े गहरे हैं। एक्चुअली अर्थव्यवस्था को किस रूप में समझें, जीडीपी के फिगर से समझें या पर कैपिटा इनकम के फिगर से समझें, या फिर इस हालात में समझें कि 50 करोड़ व्यक्तियों की इनकम 6,000 रुपये महीने से कम है, या फिर उसके ऊपर के जो 50 करोड़ है उनकी इनकम 8,000 से कम है महीने की। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, पर मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर उन 1.5 करोड़ लोगों की बात करें जिनकी इनकम 40,000 से ज्यादा है, जो इनकम टैक्स पे ही है, 1.5 करोड़ कुल मिला के भारत के अंदर, 140 करोड़ में से, यानी कि 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 40,000 रुपये महीने से ज्यादा कमाते हैं। ये बात तो आपकी सही है कि जिनकी इनकम इतनी कम है, 6,000 रुपये महीने से कम है, 8,000 महीने से कम है, 20,000 महीने से कम है, उनके लिए 50 रुपये 100 रुपये का भी बहुत ज्यादा खर्चा है। और ये 350 वाला सिलेंडर लोग एक बार ओवरलुक कर जाते हैं कि ये हमारा नहीं है तो कमर्शियल है। उन्हें ये नहीं पता कि एक गरीब वेंडर जो सड़क के किनारे खड़ा होकर वड़े पाव बनाता है या कोई पकोड़ा बनाता है या चाय बनाता है, वो उसी कमर्शियल सिलेंडर पे बनाता है, और जब उसको यूज करता है तो उसकी वही चाय का भाव जो अभी 10 रुपये 20 रुपये में देता है वही 25 रुपये हो जाता है, उसका कॉस्ट ऑफ जो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये सबको चोट मारता है, चाहे कमर्शियल हो या दूसरा हो। अब आते हैं आपकी मुख्य मुद्दे पर कि जीडीपी की ग्रोथ 4.4% पे क्या है। बेस ईयर का चक्कर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किस तिमाही के आंकड़े हैं। ये जो तिमाही है ये आपकी अक्टूबर से लेकर और दिसंबर की तिमाही है। अगर आप सोचें, ये तिमाही भारत के जो एक आर्थिक जो ईयर होता है, जो फिस्कल ईयर जिसे कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ये आपका क्वार्टर है ये, क्योंकि ये त्योहारों वाला पूरा का पूरा क्वार्टर होता है। तो पूरा साल अगर आपका स्लैक जाएगा तो इन 3 महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, आपका मैक्सिमम सेल होता है, जिसे प्राइवेट कंजप्शन भी कहा जाता है। इसमें दिवाली आती है, दशहरा की शुरुआत हो जाती है, बाद में आपका क्रिसमस भी आता है, नया साल भी आता है, गुरु नानक बर्थडे भी आता है। इसको त्योहारों का क्वार्टर कहा जाता है। अगर त्योहारों के क्वार्टर के अंदर आपका आईना 4.4% की ग्रोथ दिखाता है, तो फिर वो सारे के सारे जो बम्पर आह्वान किए जा रहे थे वो कहाँ है? वो कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हमारा जीएसटी 1.5 ट्रिलियन रूपी बन गया, 1.5 लाख करोड़ पे आ गया है। दरअसल 1.5 लाख करोड़ एक हवा में फैलने वाली बात है, क्योंकि जो 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़ पहले आता था, वही अब 1.5 लाख करोड़ है, क्योंकि जो चीज 1 रुपए की थी वही अब 1.5 रुपए की है। तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ गया क्योंकि कीमत बढ़ गई इनपुट। तो क्या कंजप्शन बढ़ा? क्या कंजप्शन नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, जो चीज बिकती थी उसकी कीमत 1.5 गुना हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स भी 1.5 गुना हो गया। ये सारी की सारी इसका हकीकत है। तो वह जीएसटी का ये बुलबुला बोरा कि जी, आप बोरा जी, बोरा जी, आपका कहना है कि साल के सबसे स्वर्णिम दिन ये 3 महीने होती है, उन 3 महीनों में इतनी बैंड बज गई है, आप ये जी बातें बता रहे हैं या डरा रहे हैं हमें कि आने वाला टाइम तो फिर और खतरनाक हो जाएगा? सर, मेरा काम सत्य बोलना है, मैं क्या करूं, मैं सत्य बोलने से बाज नहीं आ सकता। अच्छा, एक फिगर और देता हूं आपको, मैं अभी आया हुआ, ताजा ताजा है ये फिगर, आपको बताएगा कि क्या हम 2019 के लेवल पे आए हैं अभी भी। अब आपको बताता हूं कि 2019 के अंदर जो भारत के अंदर हवाई यात्री होते थे, खैर जो अमीर जिनको आप गिन सकते हो, वो 14,33,00,000 यात्रियों ने यात्रा की थी 2019 के अंदर। सर, हम कहते हैं कि हम 2019 को क्रॉस कर चुके हैं, ये बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक और सरकार के जो नुमाइंदे वो आके कहते हैं।
और इस साल 2022 में जिन यात्रियों की संख्या आई है वो 12 करोड़ 33 लाख आई है। एग्जैक्टली 2 करोड़ कम लोग 2022 में ट्रेवल किए हैं 2019 की अपेक्षा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमी 2019 को टच कर चुकी है? अगर एक अमीर आदमी या एक मध्यम वर्गीय जो 2019 के लेवल पर नहीं आ पाया है 2022 में, तो आप ये कैसे उम्मीद करोगे कि वो गरीब आदमी जिसकी इनकम 6,000 रुपये महीना परिवार की है या 8,000 महीना परिवार की है वो इस दूरी तक आ चुका है? उसके लिए अभी भी 2019 दूर की कौड़ी है, दूर का चांद है साहब, उनकी गरीबी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और वैसे भी गांव के अंदर आप जाएंगे तो बहुत भारी मात्रा में आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो सिलेंडर छोड़कर वापस लकड़ी के ऊपर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये मैंने आनंद जी के साथ प्रोग्राम भी किया था, मुझे याद है, जिसे मैंने कहा था कि बॉटम के 50 करोड़ लोग यानी कि 12.5 करोड़ फैमिली ऐसी है जो दिन में एक पाव दूध नहीं खरीद सकते हैं, और ऊपर के 50 करोड़ ऐसे हैं जो आधा लीटर दूध नहीं खरीद सकते। इससे आप अंदाजा लगाए कि गुर्बत और गरीबी कितनी है। 4.4% आईना है कि हमारी इकोनॉमी दरअसल G20 के स्लोगन से नहीं चलती है साहब। वहां पर जो कहा जाता है कि हम ना जाने क्या क्या बन गए हैं, उससे नहीं चलती है। ये जमीनी हकीकत है कि हम गरीब हैं और हमारी गरीबी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। अर्थव्यवस्था में हमेशा कहता है, मेरा एक पेट डायलॉग भी एक्चुअली वो, कि अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से ऊपर नहीं जाती है। आप जितने मर्जी महामानव हो जाएं, आप अर्थव्यवस्था को लिफ्ट से ऊपर नहीं ले जा सकते। और अगर सब कुछ अच्छा है, आपके डंके बज रहे हैं पूरी दुनिया में, और अगर सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है जैसे कि आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, तो फिर आपकी GDP की ग्रोथ पूरी की पूरी फिर 7% भी टच क्यों नहीं करती? अगर इतना बंपर ईयर था तो फिर क्यों 6.8% इस साल आके रुक जाएगी? अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो उन 10 सालों का क्या होगा जो मनमोहन सिंह बेचारे जिनको अंडरमाइन किया जाता है, उनकी 10 सालों की एवरेज जो थी 7.06% थी GDP ग्रोथ, और मोदी जी की 8 वर्षों की जो ग्रोथ है 5.42% है। अगर मैं 7.7% भी जोड़ दूं तो भी ये 6% पे रह जाते हैं, तो मनमोहन सिंह से 1% नीचे हैं। अब और कौन सा आईना लेके आऊं? 2015 से 2022 के बीच में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो मुश्किल से ले दे के $1,500 से $2,000 पे आती है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश $1,200 से $2,800 पे आ जाता है साहब। तो प्रोग्रेस किसकी होती है? तो 4.4% जो है ये एक किस्म से वो सारे के सारे जो आर्थिक सरकारी विशेषज्ञ हैं जो बड़े बड़े डंके की चोट पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इट्स ए स्लैप ऑन देयर फेस। आई एम टेलिंग यू, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इट्स ए स्लैप ऑन देयर फेस कि ये हकीकत है कि साल के सबसे बेहतरीन क्वार्टर के अंदर आपकी ग्रोथ अपेक्षा कितने की थी? 5.8 की बड़े बड़े विशेषज्ञों की, लेकिन 4.4 पे आके अटकी। इसका मतलब दिवाली पे जो आप रौनक देखते थे ना, वो विंडो शॉपिंग करते थे, वो खरीद नहीं पाते थे। आपको लगता था कि ये बहुत महंगी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाराने की चीज खरीद के संतुष्ट हो जाते थे। हमें शायद लगा कि GST की जो 1.5 लाख हमारा करोड़ आया है, वो मंत्री जो आ रहा है उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं। इन्फ्लेटेड इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो 50% फिगर्स हैं वो IGST के हैं, जो खासतौर से उसमें बड़ा हिस्सा 50,000 करोड़ के आसपास उस पर है जो इम्पोर्ट होता है, उसके ऊपर जो IGST लगता है। तो रियल टर्म्स में हमारी ग्रोथ उतनी नहीं है, यानी कि जो दिखाया जा रहा है और जो छुपाया जा रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा है। जी संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।